अबे नहीं यार, क्यों मारा इसको? और राइट गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक और पाल वर्ल्ड के धमाकेदार एपिसोड के अंदर। पिछले वाले एपिसोड के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा भाई, हमने एक नया पोकेमोन पकड़ा था जिसका नाम था भाई एजुगा, जो हॉर्सेस टाइप का था। और भाई वो पाल वर्ल्ड 2.0 के अपडेट के अंदर एक नया मैप था जिसका नाम था मशरूम आइलैंड, उसके अंदर अपने को मिला था। और भी बहुत सारे जैसे कि फ्रॉग पोकेमोन अपने को मिला था, और एक मशरूम पोकेमोन भी था, और दो तीन पोकेमोन और थे। और भाई वो जो मैप था, जो आइलैंड था, वो सबसे बड़ा था भाई। मेरे को उसको एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम लग गया, हर एक पाल भाई 40 लेवल से ऊपर का था। तुम लोग समझ सकते हो भाई, वहाँ पे मेरा जाना बहुत नामुमकिन था। तो भाई मैं क्या था, फिर वहाँ से एक पोकेमोन पकड़ के लेके आ गया फटाफट। वापस जाएंगे, उसको देखेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, और भी नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आज वाली वीडियो के अंदर हमारा पहला मोटिव है मेमोरिस्ट को पकड़ना, जो हाथी है ना 35 लेवल का, उसको भाई चटाना। क्योंकि यार तुम्हारे भाई के पास 3 ब्लेंज हाउल है, जो कि भाई एक फायर और 2 डार्क पोकेमोन है। तो लेट्स गो। चल उससे पहले तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब और लाइक का बटन फ्री है, तो यार दबा दो यार, चैनल मेरा बहुत डाउन चल रहा है, थोड़ा सा तुम लोगों को सपोर्ट चाहिए। तो चलो चलते हैं पाल वर्ल्ड के नए एक और एडवेंचर में, लेट्स गो। ऑल राइट भाई, देखो पिछले वाले एपिसोड के अंदर हमने क्या करा था, ब्रीडिंग कराया था। और भाई ये वाला एग देखो, इन दोनों, एक फायर और एक डार्क, इन दोनों को मैंने ब्रीडिंग कराया, और कितना बड़ा भाई इलेक्ट्रिक एग है। इसके अंदर मैं एक्साइटेड हूँ क्या निकलने वाला है। और ये पहले के एग है, तो भाई देखो इतना ही ब्रीडिंग कराऊंगा, इसके बाद भाई हम ब्रीडिंग नहीं करवाने वाले हैं। इसके बाद हम और भी नए पोकेमोन को पकड़ेंगे, उसके साथ उसको ब्रीडिंग कराएंगे। तो चलो यार चलते हैं। उससे पहले यार देख लेते हैं भाई अपना पाल कैसे प्रोग्रेस पे चल रहा है। और भाई ये देखो, इसका मैंने लेवल कर लिया है भाई 32, जो कि अभी अपडेट नहीं हुआ है, जो खुला नहीं है अपना लेवल को इसका से। भाई 32 लेवल पिछले वाली के अंदर अपने को ये एक से मिला ही था, और 2 लेवल का था। मैंने भाई जल्दी से जल्दी इसको ना 32 लेवल का कर लिया, क्योंकि यार मेरे पास बहुत सारी किताबें पड़ी है, उससे इनका अचीवमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। और चलो यार चलते हैं, खोलते हैं इसको, पहले एग खोलते हैं यार, शुरुआत करते हैं एग खोलने की, और देखते हैं भाई क्या निकलने वाला है। ओ भाई साहब, ये एक और पोकेमोन निकला मेरे पास। रुको जरा, अभी रुको भाई, चेक तो करूं मैं कौन सा पोकेमोन है, ये कहां गया ये पोकेमोन। ओके इसको रखता हूं एक बार बाहर। और भाई आजा, ये कौन सा पोकेमोन है भाई, क्या करता है ये। ये भी गाइस डार्क पोकेमोन है, डार्क और आइस पोकेमोन है। और भाई कितना प्यारा पोकेमोन है ये, देखो तुम लोग देखो यार इसको, भाई साहब पोकेमोन देखो यार क्या है भाई साहब, क्या कितना प्यारा लग रहा है, कितना रंग बिरंगा पोकेमोन है यार ये। को भी देखते हैं, दूसरा पोकेमोन है अपने पास, उसको भी चेक करते हैं अपने पास कौन सा है। और ये जो पोकेमोन मेरे पास लिए ना मैंने, एक बार इन सबको मैं इधर रख देता हूँ, काम करते रहेंगे। अपने पास एक ये पोकेमोन मिला है, और दूसरी बार ये इलेक्ट्रिक पोकेमोन को खोलने की, इलेक्ट्रिक एग को खोलने की, इसमें कुछ बढ़िया से मिल जाए। रेनहुड वॉज बोर्न, ओके अपने को एक चीज और मिली जो मैं पकड़ने वाला था, वही मेरे को मिल चुका है। ये आई थिंक मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक पोकेमोन है। ओके इलेक्ट्रिक पोकेमोन है भाई, इसकी भी ब्रीडिंग कराएंगे। देखो ये अपना फीमेल है, और गाइस ये अपना मेल है, तो इन दोनों की ब्रीडिंग कराएंगे ठीक है आने वाले टाइम में, और देखेंगे भाई कैसा पोकेमोन लगता है। चलो यार बाकी है तीसरा पोकेमोन खोलने की, एक और इलेक्ट्रिक पोकेमोन है, इसके अंदर कोई बड़े अच्छे पोकेमोन दे दे। अरे यार इसमें भी ये दिया है, चलो कोई नहीं, इसकी अभी चालू नहीं हुआ है, अभी इसको टाइम लगेगा। तो यार ये जो पोकेमोन आए इनको रखता हूँ इधर की तरफ, ये सारा हटा दो अपना पोकेमोन। अभी हम फाइट लेने वाले हैं मेमोरिस्ट से, ठीक है मेमोरिस्ट से। चलो लेट्स गो, चलते हैं मेमोरिस्ट के पास। ये रहा अपना मेमोरिस्ट। मेमोरिस्ट अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मेमोरिस्ट के बच्चे, रुक जा बस तू 2 सेकंड रुक। अभी आया ब्रो, आ चुके हैं मेमोरिस्ट के पास, पहले फेंकेंगे हम। ओके ऑल राइट, चल मार दे। ओ भाई 12 का हेल्थ गया, अबे गेम लैग हो रहा भाई। मेमोरिस्ट ये मारेगा ना मेरा शेर, देख रहे हो भाई कितनी एचपी ले जाएगा ये। 13 का हेल्थ डैमेज गया इसमें भाई, इसकी जो पावर है ना एबिलिटी भाई क्या ही है। बार भाई मेमोरिस्ट को पकड़ के रहेगा। ओके ओके ओके, डार्क पोकेमोन भाई एबिलिटी यूज कर। 4300 एचपी हो चुकी है, नहीं यार इसमें मजा नहीं यार। नाइट विंग तुम, तेरा काम नहीं हो सकता, इधर आ तू। 1000 एचपी खत्म कर पाया हूँ मैं बस इसकी, इसको बुलाता हूँ इधर ठीक है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, खत्म कर सकता हूँ मैं। 3000 एचपी बची है इसकी। आग लग गई आग लग गई, इसको आग लग गई। कहाँ भग रहा है, कहाँ भग रहा है मेमोरिस्ट, कहाँ भग रहा है ये। इसका फिर से डार्क पोकेमोन है ब्लेज माहौल, जिससे मैं मेमोरिस्ट को पकड़ सकता हूँ। नहीं तो भाई मेरे पास है 33 लेवल की, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है। ये डार्क पोकेमोन के साथ फायर पोकेमोन है, इसके अटैक भाई और भी बढ़िया है, तभी इसको मार पाता। ये वाला देखो, इसका अटैक देखो भाई, क्या अटैक है इसका, मार सकते हैं 1200 की एचपी है। अबे नहीं यार क्या चल रहा है भाई, फिर से फाइट लेनी पड़ेगी यार। शिट भाई मेरे को नहीं लगता ये वापस से, तो फिर मेमोरिस्ट के सपने देखना छोड़ दूंगा मैं। रात के 2 बज गए यार, मेमोरिस्ट देख रहा हूँ मैं, मेमोरिस्ट को पकड़ने के लिए रात के 2 बजा रहा हूँ भाई। अब मैं मारना ब्लेन माहौल क्या कर रहा है, एमओ भी खत्म होने वाली है अपने पास, 25 गन की एमओ हो रहा है। देख रहा हूँ जला दिया इसको, अभी ऐसे ही अटैक करता रहना तुरंत।
इसको बुलाऊंगा नहीं मैं। बचा बचा बचा, मैं गया। देखो ब्लेंज होल की ना पावर कम नहीं हो रही जल्दी से, अकेले ने 3000 कर दिया एचपी। ओके 1800 एचपी, यस। मुस्कुराहट आ रही है मेरे चेहरे पे फिर से, हम ले सकते हैं इसको गाइस। गाइस होने वाला है 1000 एचपी बची है इसकी बस। यस 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 लोंडे यस, ऐसे ही करते रहे। अब आसा वापस, आ ब्लेंज होल वापस, ले 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 इसको नल्ले को। हाँ मेरे को मारेगा, ले इधर आ भाई। लो भाई इसको बुलाया मैंने फिर से, अब देखो तुम्हारा भाई रुलाता है इसको। 642 एचपी पेंडिंग है बस, 642 एचपी इसकी बाकी है, उसके बाद देखो तुम कैसे रुलाता भाई। उसके बाद अपने पास 3 मेमोरस हो जाएंगे, सबसे पावरफुल वाला हो जाएगा जो बॉस फाइट होगी, जिससे बॉस फाइट हो रही है, और ये वाला थोड़ा पावरफुल पोकेमोन है अपने पास। वैसे तो मेरे पास वो भी है लेकिन भाई वो इतना डैमेज नहीं दे रहे ना, मेन दिक्कत ये है वो इतने पावरफुल नहीं है जितना मैं समझ रहा था। जल रहा है ये, जल्दी से एक फायर और। अबे नहीं यार, क्यों मारा इसको, मैं बॉल पकड़ता रह गया और भाई हाथी को मार डाला। चलो यार गेम खत्म भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बॉल पकड़ता रह गया, मेरे को बुला लेना चाहिए था अपने पाल को वापस। पर कोई नहीं गाइस, इसको ना मैं ऑफलाइन के अंदर इसको कंप्लीट कर लूंगा, ऑफलाइन के अंदर मैं अपने इस मेमोरिस्ट को ना मार के, क्योंकि देखो मेरे पास पड़े 2 मेमोरिस्ट और भाई ये किसी काम के नहीं है नल्ले। तो फाइनली भाई अपन ने लेवल अप कर लिया और मेमोरिस्ट को भी मार दिया। अगर तुम लोग यार पहले खोलते इलेक्ट्रिक पोकेमोन, ऑल राइट अपने को फिर से यही मिला नल्ला पाओ, और एक पोकेमोन पेंगुइन मिला यार। पोकेमोन अच्छे नहीं है क्या, एक सार्क मिली यार, ये क्या सीन चल रहा है। और भाई ये क्या है पोकेमोन, ये देखो इधर रेप्टू पोकेमोन हो जो अपने को चाहिए से फायर पोकेमोन, और इससे हम करवाते देखो माइनिंग करवाते। रुको इधर आ तू भाई, ये तोड़ेगा और ये देखो भाई क्या पोकेमोन मिला है अपने को, 2 कछुए और अपने को ये फालतू की चीजें मिली है, इनको हटा दे ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। तो ऑलराइट गाइस, अगर तुम लोगों को मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।